सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल टांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स, और पिछले वीडियो में अपन ने एल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के रासायनिक गुणों की अपन बात करेंगे। तो देखिए, एल्कोहल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको अपन कई समूहों में विभाजित करते हैं, कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा, आर ओ एच ये एल्कोहल है, तो इसमें ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है, इस बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं, विदलन वाली अभिक्रियाएं, दोज रिएक्शंस विच कंटेनिंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है, उसका क्लीवेज होगा, ऐसी अभिक्रियाएं। दूसरा, जो एल्कोहल है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है, उसके विदलन वाली अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वो टूटेगा। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं, एल्किल व ओ एच समूहों की सम्मिलित अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल समूह भी भाग ले रहा है और ओ एच समूह भी भाग ले रहा है, दोनों समूह एक साथ भाग ले रहे हैं, ऐसी अभिक्रियाएं अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एल्कोहल में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर्स के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो जो एल्कोहल्स के रासायनिक गुण हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको अपन चार भागों में विभाजित करते हैं। इन चारों प्रकार की अभिक्रियाओं में भी कई प्रकार की अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, आर ओ एच ऑक्सीजन और एच के मध्य विदलन वाली अभिक्रियाएं, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एल्किल और ओ एच दोनों समूह एक साथ भाग ले रहे हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, एक एक करके अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं देखिए क्या होता है, इसमें आर ओ एच है, ये एल्कोहल है, और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है वो टूटता है। कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, तो विषमांश विखंडन होगा, हीट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? ऑक्सीजन पर आएंगे। तो ऑक्सीजन पर तो आ गया माइनस और हाइड्रोजन हो गया प्लस, तो क्या बन गया? एल्कोक्साइड आयन बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। तो इस प्रकार का विदलन होगा इन अभिक्रियाओं में, पूरा अपन कई उदाहरण भी लेंगे इसके। अब देखिए, इस प्रकार का जो विदलन है, ये अपन प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में देखें तो किस प्रकार के एल्कोहल में ये विदलन ज्यादा होता है, किस में ये कम होता है, वो अपन देखिए उदाहरण से समझते हैं।
ये है एथिल एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल। और फिर 3 डिग्री एल्कोहल का उदाहरण ले लेते हैं, ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल। इन तीनों में अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य विदलन कर रहे हैं। तो देखिएगा, CH3 CH2 O- प्लस H+, 1 डिग्री एल्कोहल से ये इथोक्साइड आयन प्राप्त हुआ। फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल है CH3, ये CH3 CH O- प्लस H+, ये आपके पास प्राप्त हुआ 2 डिग्री एल्कोहल से, जो अपने आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया था तो बना आइसोप्रोपोक्साइड। फिर देखिएगा आप, 3 डिग्री एल्कोहल से OH बंध के विदलन से ये एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हुआ। अब तीनों की अपन तुलना करें, यहां देखिए, ये जो कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक मेथिल समूह है, मतलब एक एल्किल समूह है ये वाला। तो ये मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाएगा, और ये CH2 प्लस आई प्रभाव से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इससे ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश बढ़ेगा। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल से बनने वाले के एल्कोक्साइड में देखिए, ये 2 एल्किल समूह हैं जो प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। 3 डिग्री एल्कोहल में देखिए, 3 एल्किल समूह हैं जो प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन से वाले एल्कोक्साइड में हो जाएगा? उस एल्कोक्साइड में हो जाएगा जो 3 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त हुआ है। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन से एल्कोक्साइड के ऑक्सीजन पर होगा? जो 1 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त हुआ है। यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ उतना नहीं बढ़ेगा 1 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त होने वाले एल्कोक्साइड में। अब देखिए, हमेशा दिमाग में एक चीज़ बैठा लेंगे आप, वह आयन जिस पर आवेश का मान जितना ज़्यादा होता है उसका स्थायित्व उतना कम होता है। आवेश का मान ज़्यादा होगा तो स्थायित्व कम होगा, और जिसका स्थायित्व कम होता है वह कम बनता है। ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लें। तो इन एल्कोक्साइडों में स्थायित्व का जो क्रम है, स्थायित्व का क्रम, वो देखिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O- सबसे ज़्यादा स्थायी है, फिर उससे कम है आइसोप्रोपोक्साइड, और सबसे कम स्थायी है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ये इनके स्थायित्व का क्रम है। 3 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त एल्कोक्साइड सबसे कम स्थायी है, तो ये सबसे कम बनेगा 3 डिग्री एल्कोक्साइड सबसे कम बनेगा। इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन कम होगा, तो OH बंध के विदलन का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा विदलन किसमें होगा? जिसमें सबसे ज्यादा स्थायी एल्कोक्साइड बनेगा, ये सबसे ज्यादा स्थायी एल्कोक्साइड है। तो इसमें जिस एल्कोहल से ये बना है उस एल्कोहल में सबसे ज्यादा विदलन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य। तो सबसे कम विदलन होगा 3 डिग्री एल्कोहल में। तो अपन यूँ लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य विदलन से जो अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का जो क्रम है वो ऐसे होगा,
सबसे ज्यादा 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य विदलन वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें अल्कोहलों की क्रियाशीलता का ये क्रम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। तो ये तो देखिए, अपन ने एक सामान्य बात पढ़ी कि किस तरह से ये अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब देखिए, अपन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं लेते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन होता है। कुछ उदाहरण लेके अपन चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण में सबसे पहले मैं ले रहा हूं सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, और जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उनको अपन सक्रिय धातु कहते हैं। ज्यादातर एस खंड के जो धातु हैं वो काफी सक्रिय धातु होते हैं। तो जो एल्कोहल्स हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखें कि सक्रिय धातु कौन कौन से हैं। सक्रिय धातु के रूप में अपन ले सकते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। ये सक्रिय धातु हैं। एल्कोहल क्या करेगा? एल्कोहल इन सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। और इसमें सोडियम एल्कोक्साइड में RO- है और सोडियम है वो प्लस है। तो सोडियम एल्कोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ। तो एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और अपन यहाँ पे एक चीज और सीखेंगे, वे यौगिक जो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अम्लीय प्रकृति है यहाँ पे एल्कोहल्स की। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन हुआ, जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निष्कासित होता है। अब यहाँ जो एल्कोहल्स की अम्लीय प्रकृति है इसमें अंदर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय के एल्कोहलों में अम्लीय गुणों की तुलना कीजिए। आपको क्रम बताना है कि अम्लीय गुणों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, इस तरह से। तो देखिए, इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? इस अभिक्रिया में हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन हो रहा है। यह विदलन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये जो बंध है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य, ये ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय प्रकृति का है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और या फिर यूं कहें कि हाइड्रोजन से छीनने की कोशिश करता है। अतः जब इस बंध का विदलन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, विषमांश विखंडन होगा और हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निष्कासित होता है। तो एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो क्यों है? इस ध्रुवीय बंध के कारण ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, इस कारण ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब ये जो अम्लीय प्रकृति है ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के अल्कोहलों में अपन कैसे समझें, तो वो देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ।
आर सी एस टू ओ एच, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। आर आर सी एच ओ एच, ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। आर 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 सी ओ एच, ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल। तीनों में से अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन करके एच प्लस निकालते हैं। अम्लीय प्रकृति में ऐसा ही होगा। ये देखो, तीनों में से अपन ने एच प्लस निष्कासित कर दिए, ठीक है। अब तीनों में से एच प्लस के निष्कासित होने के बाद जो एल्कोक्साइड बने, उन एल्कोक्साइडों के स्थायित्व का क्रम जैसा भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, देखिए, एक एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। यहां पे दो एल्किल समूह है और यहां पे तीन एल्किल समूह है जो इस ऋणावेश को बढ़ाएंगे। ऋणावेश का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा स्थायित्व उतना कम होगा। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा? आर सी एस टू ओ सबसे ज्यादा स्थायी है, आर आर सी एच ओ माइनस उससे कम स्थायी है, आर 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 सी ओ ये उससे कम स्थाई है। जो सबसे कम स्थाई होगा वो सबसे कम बनेगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन सबसे कम होगा। 3 डिग्री एल्कोहल में से एच प्लस सबसे कम मिलेंगे, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य का मान सबसे कम होगा। तो अतः अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देखिए क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल आर सी एस टू ओ एच। उससे कम अम्लीय हो गया 2 डिग्री अल्कोहल आर सी एच ओ एच। उससे कम हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, तो यह है 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और यह है 3 डिग्री एल्कोहल। ये इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हो गया। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनसे बनने वाले एल्कोक्साइडों के स्थायित्व की तुलना करके आप इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बता सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप ये सीखेंगे, इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। अब ये अपन ने तुलना करी एक प्रकार के एल्कोहल की दूसरे प्रकार के एल्कोहल से। अब अपन दूसरी तुलना करेंगे एल्कोहल की जल के अम्लीय सामर्थ्य के साथ तुलना। देखिएगा, जल और एल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर रहे हैं। ये देखिए, यहां पे एल्कोहल है, एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बना, एच प्लस निकला। मैं दूसरा ले लेता हूं, यहां पे जल। जल में क्या है? ओ एच, एल्कोहल के ओ एच के जैसा ओ एच तो है ही, एल्किल समूह की जगह क्या आ गया? एच आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो बनेगा एच ओ माइनस प्लस एच प्लस, ठीक है। तो एल्कोहल में से एच प्लस के निकलने से बनता है एल्कोक्साइड आयन। जल में से एच प्लस के निकलने से बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब दोनों के स्थायित्व की तुलना करें। जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आयन, उसमें जो ओ माइनस है उस पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है जो प्लस आई प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन में ऐसा कोई समूह नहीं है। हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन है जिसका कोई प्लस आई प्रभाव
नहीं होता है, कोई प्रेरण प्रभाव नहीं होता है। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा? स्थायित्व का क्रम, ज्यादा स्थायी कौन सा हुआ? एच ओ माइनस है वो आर ओ माइनस से ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इस पर ऋणावेश का मान कम है और आवेश का मान कम होगा तो स्थायित्व ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा स्थायी है, जो ज्यादा स्थायी है वो ज्यादा बनता है, तो इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा इसका मतलब जल में से एच प्लस ज्यादा निकलेंगे। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या हो गया? अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या हो जाता है? H2O है वो एल्कोहलों की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज अपन यहां पे तुलना कर रहे हैं एल्कोहल की जल के साथ, फिर अपन तुलना करेंगे एल्कोहल की फिनोल के साथ, फिर अपन तुलना करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ, और फिर अपने एक क्रम लिखेंगे सबका, जल एल्कोहल फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो अम्लीय सामर्थ्य है उनका क्रम क्या है। ये पूरा डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। तो ये अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। किसी भी अम्ल के लिए अम्लीय सामर्थ्य है वो उसके वियोजन स्थिरांक के मान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो वियोजन स्थिरांक का मान देखिएगा, वियोजन स्थिरांकों के मान जिसके वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा है वो ज्यादा अम्लीय होगा। यहां पे तो एल्कोहल्स हैं उनके लिए वियोजन स्थिरांक का मान होता है 10^-16 से 10^-18 तक, या फिर अपन यूं कहें -18 से -16 तक, यूं लिखे ज्यादा सही रहेगा, -18 से 10^-16 तक। और जो जल है वाटर है उसके लिए Kw का मान होता है 10^-14। तो जल के लिए देखिए वियोजन स्थिरांक है वो ज्यादा हुआ कि नहीं, 10^-14 है, इसका मान ज्यादा है। तो इसका मतलब जो जल है वो एल्कोहलों की तुलना में ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य रखते हैं। तो इस तरह से आप सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके बता सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति के हैं। इनकी अम्लीय प्रकृति में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का क्या क्रम होगा? एल्कोहल और जल में से ज्यादा अम्लीय कौन सा है और क्यों है, ये कारण अपन ने इस अभिक्रिया में पढ़े। दूसरे प्रकार की इसमें अभिक्रिया देखिएगा, सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? OH बंद के विदलन वाली अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। उसमें पहले प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी अपन ने धातुओं के साथ अभिक्रिया, और दूसरी अपन देख रहे हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, सेकेंड वन, या धातु हाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया, धातु हाइड्राइड्स के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, एल्कोहल प्लस धातु हाइड्राइड के रूप में मान लेता हूं जैसे सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों बोला? क्योंकि सोडियम वो सक्रिय धातु है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां जो हाइड्रोजन है वो ऋणायन के रूप में है, और अपन जानते हैं ऋणायनों के नाम में अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में क्या क्या लगता है? आइड, आइट, एट, इस तरह से ये सफिक्स ऋणायन के नाम में आते हैं। एल्कोहल में से हाइड्रोजन किस रूप में निकलेगा? एच प्लस के रूप में। तो ये जो एच प्लस है वो एच माइनस के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सोडियम प्लस है वो ओ माइनस के साथ जुड़कर सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो जिस तरह से सक्रिय धातु एल्कोहल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, वैसे ही धातु हाइड्राइड भी एल्कोहल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन होता है। तीसरे प्रकार का देखिए,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन मतलब एस्टरीकरण, इसको कहते हैं। तो एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपन संपन्न कराते हैं। तो देखिएगा, ये है एल्कोहल और अपन इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। यहाँ एल्किल समूह को विभेदित करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक इस तरह से ये चिन्ह लगा दिया, अम्ल की उपस्थिति में। और यह अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये, इसलिए देखिए मैंने उत्क्रमणीय का चिन्ह लगाया है। तो क्या होगा? एल्कोहल में से H, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ये OH जल के रूप में निकल जाते हैं और बना ROC OR-। ये क्या है? एस्टर। और साथ में निकलता है जल। तो एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अम्ल की उपस्थिति है, मतलब सांद्र H2SO4 ले सकते हैं आप, सांद्र H2SO4। ठीक है, अब यहां देखिए अभिकारक के रूप में दो घटक हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की ही अगर अपन क्रियाशीलता की बात करें इस अभिक्रिया में, तो ये जो दोनों में ही एल्किल समूह वाला भाग है, एल्कोहल में भी एल्किल समूह वाला भाग है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी एल्किल समूह वाला भाग है, ये एल्किल समूह जितना छोटा होगा इनकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होती है। तो देखिएगा अपन क्रियाशीलता का क्रम देखें, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस में सबसे पहले ले रहे हैं अपन एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल्स की क्रियाशीलता का क्रम। देखिएगा अभी मैंने कहा एल्किल समूह जितना छोटा होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी, तो CH3OH सबसे छोटा एल्किल समूह यही होता है, उससे कम हो गई CH3CH2OH, उससे कम क्रियाशीलता हो गई CH3H2SO4, और उससे कम हो गई CH3H3OH। मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता मेथिल अल्कोहल की, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम क्रियाशीलता हो गई 3 डिग्री अल्कोहल की। ये तो है इस अभिक्रिया में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्रियाशीलता का क्रम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्रियाशीलता का क्रम देखिए क्या हो जाएगा, वही बात कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी एल्किल समूह जितना ज्यादा छोटा होगा क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। तो एल्किल समूह की जगह H ले सकते हैं SCOOH, फिर उससे कम CH3COOH, उससे कम CH3CH2COOH, उससे कम CH3H2SCSCOOH और उससे कम CH3H3CCOOH। एल्किल समूह जितना ज्यादा छोटा है क्रियाशीलता उतनी ज्यादा है, ये एल्किल समूह जितना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। H की जगह CH3 आया, CH3CH2 आया, यहाँ CH3 दो समूह आ गए, फिर तीन आ गए, तो क्रियाशीलता का मान कम होता चला जाता है। तो ये एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम है किस अभिक्रिया में? एस्टरीकरण अभिक्रिया में। तो ये तीसरे प्रकार की ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल में
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब है कि जो एल्कोहल है उस पर एसिल समूह जुड़ता है या एसिटिल समूह जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया नंबर 4, एसिलीकरण। एसिलीकरण देखिए क्या चीज है, ये है एल्कोहल। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, जैसे करवा दी एसिटिल क्लोराइड से। क्या होगा, एल्कोहल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटेगा, ये हाइड्रोजन एसिटिल क्लोराइड में से Cl को लेकर HCl के रूप में निकल जाएगा और CH3CO समूह इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये जुड़ गया। तो क्या बन गया, पहचानो, देखे CH3COOR एस्ट्री तो बन गया और क्या निकल गया, HCl निकल गया। ठीक है, और देखिएगा एल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ, ये आपने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहां से एच और यहां से CH3COO मिलके CH3COOH के रूप में निकल जाएंगे और CH3CO समूह है ये ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो R ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे देखिए क्या जुड़ा, ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O, CH3 और प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड निकल गया, क्या बना, एस्टर बना। एस्टर बन गया यहां पे। ठीक है, अब देखिए दोनों ही अभिक्रिया में एल्कोहल के ऑक्सीजन से H तो निकल रहा है, हाइड्रोजन तो निकल रहा है और एसिटिल समूह जुड़ रहा है, इसलिए इसको अपन एसिटाइलेशन या एसिटलीकरण भी कह सकते हैं, एसिलीकरण भी कह सकते हैं। अब दोनों ही अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद एस्टर के साथ अम्ल का उत्पादन हो रहा है और अपन जानते हैं कि किसी भी उत्पाद को अगर अपन अभिक्रिया से हटाते चले जाते हैं तो ले शातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया अग्र दिशा में तेजी से बढ़ती है और ज्यादा उत्पाद प्राप्त होता है। तो बनने वाले जो सह उत्पाद हैं, HCl है, एसिटिक अम्ल है, इनको हटाने के लिए यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है, पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। पिरिडीन की प्रकृति होती है क्षारीय, तो ये पिरिडीन बनने वाले अम्ल के साथ क्रिया करके इसको हटा लेते हैं। पिरिडीन के स्थान पर आप डाइमेथिल एनिलीन भी काम में ले सकते हैं, डाइमेथिल एनिलीन को भी काम में ले सकते हैं। तो पिरिडीन भी क्षारीय प्रकृति का है, डाइमेथिल एनिलीन भी क्षारीय प्रकृति का है, जो इस अभिक्रिया में से जो बनने वाला अम्ल है, सह उत्पाद है, उसको हटाएगा, इससे जो एस्टर है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह है एस्टरीकरण। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद अपने एल्किल हैलाइड में जब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण किया था, तो उस समय मैंने आपको उस समय बताया था ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक इतना इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है, अपन जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हर टॉपिक में ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक आएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में चूंकि एल्किल समूह धातु के साथ जुड़ा हुआ है,
तो धातु तो इसमें होगा आंशिक धनावेशित और एल्किल समूह होगा ऋणावेशित, क्योंकि धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अब एल्कोहल में से ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो एच प्लस के रूप में निकलता है, जो आर माइनस से जुड़ के क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, और आर ओ माइनस, ये चूंकि माइनस है, जो मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम से तो क्या जुड़ गया, ओ आर जुड़ गया, एक्स पहले से जुड़ा हुआ है, और आर डैश के साथ क्या जुड़ गया, एच जुड़ गया। तो एल्किल समूह के साथ जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनते हैं। तो एल्कोहलों की क्रिया अगर आप ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराते हैं तो एल्केनों का निर्माण होता है। तो ये अपन ने कुछ ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध का विदलन होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि एल्कोहलों में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य विदलन वाली, बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।